कश्मीर लौटा दो, ये एक एल्बम का आइडिया जो है लियाकत साहब लेकर आए। लियाकत जाफरी जी हमारे हिंदुस्तान के बड़े जाने माने उर्दू अदब के इस पोइट हैं। जब मुझे ये पता चला पिछले दिनों की एहसान का सिलेक्शन इंडियन आइडल में हुआ है, तो वो अपने आप में एक बड़ी ही खुशी की बात थी, क्योंकि एहसान कश्मीर के उसी इलाके से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन पहाड़ों से निकल कर ये एहसान आज यहाँ पर पहुँचा है। एक एल्बम किया जा रहा है जो जिसमें कश्मीर के आम लोगों की आवाज़ है, कश्मीर के आम लोगों की अपील है अमन के लिए। तो ये लौटा दो, मुझे लगता है कि इन्होंने किसी से मांगा नहीं है कि भाई आपके पास कश्मीर है तो दे दो, उस जन्नत को वापस मांगने की कोशिश की है। इत्तेफाक से एहसान असगर मेरा भांजा भी है, इंडियन आइडल में इस वक्त तो चल रहा है और काफ़ी दूर तक पहुँचा है, अब देखते हैं फाइनल 12 में आता है कि नहीं। एक नीयत ये थी कि कश्मीर से एक लड़का गया है, वो कश्मीर की बात करे, वो इतने बड़े स्टेज पे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके लिए, और उसने अपने तमाम इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि मैं कश्मीर के नौजवानों की आवाज़ हूँ। हवन करेंगे। दिव्य जी यहाँ पे सौरभ एक लड़का मुखर्जी, अभी ट्यूबलाइट में उसके कुछ गाने आप सुनेंगे, आशीष कौर है हमारी अभी जज्बा में, उसने गाने गाए, और एक आध कोई और सिंगर है। कश्मीर लौटा दो, जैसे कि राहत काजमी साहब ने भी कहा कि लौटाना किस से लौटाना, इंडिया से वापस मांग रहे हैं हम, पाकिस्तान से वापस मांग रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में कभी हम दोस्त यार अहबाब बैठे रहते हैं तो हम कहते हैं यार मुझे चैन चाहिए, यार किस से चाहिए। गाना बेहद अच्छा है और मेरी खुशकिस्मती है कि दिव्या सर के साथ मैं इस सॉन्ग में ड्यूट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट। वही है, कश्मीर को हमने वही ब्यूटीफुल तरीके से देखा है, मुझे मैं अभी तक वहाँ गया नहीं, मैंने बस सुना है कि बहुत ही खूबसूरत देश है। और इन्होंने ये पंच लाइन दी मुझे कश्मीर लौटा दो, क्योंकि ये ऑलरेडी नेपाल लौटा दो टाइप का एक वीडियो कर चुके थे जो बहुत बड़ा क्रेज बन चुका था यूट्यूब के ऊपर। मेरे फूल पर्वत, मेरे बाग दरिया, मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो।